हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। इसमें क्या क्या आएगा हमारा, जैसे बहुत लोगों को पता भी होगा साइन 2a क्या फॉर्मूला, कॉस 2a, साइन 3a, कॉस 3a, फिर उसी प्रकार 10 का, वो सब आएंगे इसमें, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा पहला जो है दैट इज अबाउट द फॉर्मूला कॉस 2a, कॉस 2a, ठीक है इसका। तो इसके हम चार पांच फॉर्मूले देखेंगे जो हमको चारों एकदम फिक्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो हम देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करें। तो देखो तुम लोग पॉज करके सोचो एक बार कि कैसे निकाला जा सकता है कॉस 2a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल a, हाउ कैन वी फाइंड दिस। तो देखो मैं बता रहा हूं, मैंने बोला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ a प्लस a, ठीक है। अब मैंने बोला इधर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम कॉस ऑफ a प्लस b वाला, वेयर b इज ऑल्सो इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला उस हिसाब से हमारा वो फॉर्मूला क्या होता था कॉस ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इधर क्या है, बी ए के बराबर है, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस बी की जगह अगेन कॉस ए, माइनस साइन ए साइन बी होगा, अगेन साइन बी की जगह साइन ए, बिकॉज ए इज इक्वल टू बी। तो फाइनली मेरा पहला फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में। तो दिस इज अवर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कॉस 2a, ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी तो शुरू हुई है हमारी। अब मैंने बोला क्या हम इसको पूरे को साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो आंसर मिलेगा यस। कैसे, इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और इधर से मेरा माइनस साइन स्क्वायर। तो फाइनली आई एम गेटिंग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला फॉर कॉस 2a, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अपन ने इधर साइन में कन्वर्ट किया कॉस को, उसी प्रकार साइन को भी कॉस में कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, अब मैंने बोला इधर ही फॉर्मूले से हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर ए, तो एज इट इज रहने दिया, बिकॉज मेरा टारगेट क्या है कि कॉस में कन्वर्ट करना है। तो इस साइन स्क्वायर को अगेन आई कैन राइट इट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इधर से मेरा थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड। अब मैंने तुम्हें बोला चलो तुम्हारा तुम्हें टास्क दिया पहले, मैंने कहा पॉज करके क्या हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कॉस 2a का फॉर्मूला एक बार साइन a के टर्म्स में आ गया, एक बार कॉस a के टर्म्स में आ गया, अब मेरा टारगेट है 10 a के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लो कहीं मुझे जरूरत पड़े साइन a के टर्म्स में लिखने की, तो मैं ये यूज करूंगा, कॉस के टर्म में जरूरत पड़ी तो ये यूज करूंगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें टारगेट क्या दिया है, इसको तुम्हें पूरा 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला 10 में कन्वर्ट करना है इसको, तो इधर से मैंने कॉस स्क्वायर जबरदस्ती बाहर ले लिया, मैंने बोला कॉस स्क्वायर बाहर ले लेते हैं कॉस स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा कॉस, इसकी जगह तो 1 बचेगा माइनस, इधर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं एक बार साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्लियर है। देखो मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ये मेरा 10 में कन्वर्ट हो गया, फाइनली मेरा क्या आया अभी कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहां तक क्लियर है। लेकिन अभी तो ये पूरा 10 में कन्वर्ट नहीं हुआ, मेरे को क्या पूरा 10 चाहिए, तो क्या करूंगा, क्या हम कॉस स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा दिमाग कैसे चलना चाहिए, कॉस स्क्वायर जो है उसको हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा। तो हम वही करेंगे, क्या करा इस कॉस स्क्वायर को इसके नीचे लेके गया, तो नीचे लेके जाऊंगा तो कैसे क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था मैंने टारगेट क्या है 10 ए में कन्वर्ट करना है पूरे इसको। तो फाइनली आई एम गेटिंग हियर इट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो गया हमारा चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। एकदम चारों तुम्हें टिप्स पे याद रखना है, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, ये चारों तो होने चाहिए। इन दोनों के लिए मैं अलग एक और फॉर्मेट बता रहा हूं तुम लोगों को 2 मिनट में इसके, इन दोनों के लिए, बट पहले एक बार ये चारों मन में 4-5 बार बोल लूं जब तक दिमाग में नहीं बैठता। क्या क्या देखा, एक तो कॉस 2a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और एक पहले कॉस आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1 और एक 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये चारों दिमाग में बिठा लो। अब मैंने बोला जो जो सेकंड फॉर्मूला है ना कॉस 2a वाला, ये दोनों, इसको हम एक और फॉर्म में याद रखेंगे। वो फॉर्म क्या है यही, बस इसको मैं टर्म को इधर उधर करूंगा, रीअरेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं बोर्ड को, ठीक है। तुम लोग पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला जो फॉर्मूला है ना कॉस 2, ये दोनों वाला, इन दोनों को हम डिफरेंट फॉर्मेट में लिखेंगे, डिफरेंट कुछ नहीं लिखेंगे, फॉर्मेट डिफरेंट होगा, फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। तो है क्या वो देखते हैं। और जो लास्ट वाला लिखा है ना उसको भी हम थोड़ा सा एक और फॉर्म में याद रखेंगे, ठीक है। दोनों तो हमारे ओवरऑल 7 हो जाएंगे टोटल, एक्चुअली अभी 4 लिखे, अभी 3 और करने वाले हैं। देखो कैसे, किस फॉर्म में, जैसे अभी अपन ने जो फॉर्मूला आया था मेरा कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस फॉर्म में तो याद रखना ही रखना है। हम कैसे याद रखेंगे इसको, साइन स्क्वायर के टर्म्स में, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ रखेंगे, साइन स्क्वायर एक तरफ रखेंगे। तो देखो मैं इस वाले को इधर लेके आता हूं, तो जो गया 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। चलो एक तो इस फॉर्म में भी याद रखेंगे और दिमाग में बिठाएंगे इसको इस फॉर्म में भी, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। तो ये दोनों फॉर्म हम इस वाले के लिए याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया, मतलब दोनों एक ही चीज है, बट 2 से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी एक को रखो। तो रेदर देन दिस जस्ट ऊपर वाला रख लो, नहीं तो एक काम करो, ज्यादा एक फॉर्मूले तुम्हें लगेगा ज्यादा है, इसको याद रखो, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 2a, कब जरूरत पड़ेगी, मान लो मुझे एक एंगल ए दिया, उसको 2a में कन्वर्ट करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, ठीक है। और उसी तरीके से जो मेरा एक और था कॉस ऑफ 2a वाला, इधर क्या था 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, अगेन हमें को cos square a, 2 cos square a एक तरफ लिखना है, तो 2 cos square a is equal to क्या होगा, 1 plus cos 2a। तो ये दोनों फॉर्मूले भी तुम लोगों को उन चार फॉर्मूले के साथ याद रखना है, मेमोराइज दिस ऑल्सो, क्लियर है। तो टोटल हमारे पास 6 हो गए अभी तक, ठीक है ना, एक साथ हम लिस्ट करेंगे आखिरी में, एक और फॉर्मूला कर लेते हैं उसके बाद हम लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज, मैंने क्या बोला, ये जो हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला आया था, एक बार लिख लेते हैं, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। क्या करो इसमें, अब इससे मेरे को टेन स्क्वायर a निकालना है इन टर्म्स ऑफ cos 2a, मतलब एक तरफ टेन स्क्वायर a होना चाहिए और cos के टर्म सारे एक तरफ होना चाहिए। जैसे अभी क्या है, एक तरफ cos है बाकी सारे टेन है, मतलब दिस इज वॉट हम इसको क्या बोलेंगे, cos 2a टेन a का फंक्शन है। अब मुझे उल्टा चाहिए, tan स्क्वायर a को लिखना है मुझे इन टर्म्स ऑफ cos 2a। तो क्या करें, दो तरीके हैं, एक तो क्या करो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्टली, या फिर क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर a एक तरफ लेके आओ। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं हम। तो मैंने बोला इसको मैं रब कर देता हूं 2 मिनट के लिए, अपन लिखेंगे अभी, लिस्ट करेंगे साथ फॉर्मूले एक साथ, तुम लोग भी करना साथ हो एक साथ, ठीक है। अभी तो हम डेरिवेशन के साथ साथ कर रहे हैं, दूर दूर है हमारे फॉर्मूले, बट आखिरी में जब हम ये साथ हो जाएंगे तो एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो देखना इसको मैं क्या कर रहा हूं, जैसे एक तो मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या आएगा, cos 2a into 1 plus tan square a is equal to 1 minus tan square a। अब मैंने क्या बोला है, tan square a एक तरफ लेके आओ, तो ठीक है चलो पहले ओपन कर दिया इसको, तो cos 2a plus cos of 2a into tan square a is equal to 1 minus tan square a, ठीक है। अब ये वाला टर्म मैं उधर लेके जा रहा हूं और टेन वाला इधर लेके आ रहा हूं, टेन को आर एलएचएस में रख रहा हूं, ठीक है। तो इधर से मेरा जब ये वाला टर्म इधर आएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेन स्क्वायर ए कॉमन लूंगा, तो इधर क्या बचेगा, एक मिनट, 1 प्लस कॉस 2a और इधर क्या बचेगा, 1 माइनस, ये कॉस 2 उधर जाएगा तो कॉस 2a। तो फाइनली मुझे क्या मिला, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस cos of 2a। एक इस फॉर्म में भी मैं याद रखूंगा इसको, tan square a as a function of cos 2a। ये क्या था, cos 2a as a function of tan square a। वैसे यहां से भी जस्टिफाई हो रहा है, एक सेकंड का प्रूफ है, इसे 1 माइनस क्या कर सकते थे हम, देखो इसको एक और तरीके से कैसे प्रूफ कर सकते थे। देखो जैसे तुम लिखोगे ना तो मैं अपने आप मेथड जनरेट होंगे, जैसे अब मुझे एकदम क्लिक किया कि यार ये तो 2 साइन स्क्वायर है, ये 2 कॉस स्क्वायर है, तो विच इज टेन स्क्वायर है। कहने का मतलब हम इसका एक और तरीके से डेरिवेशन कैसे कर सकते थे, मैं टेन स्क्वायर को लिख सकता था साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर,
ठीक है, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 साइन स्क्वायर है मैंने बताया था क्या था ये हमारा, इस किस फॉर्म में 1 माइनस कॉस 2 है, और 2 कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 है, तो देखो एक ही लाइन में आ गया, इतना भी नहीं करना पड़ा, बट मैंने बोला था इधर से लाना इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है, बट देयर इज डिफरेंट अप्रोच फॉर दिस फॉर्मूला टू प्रूव। अच्छा अभी मैंने कुछ कंपोनेंटो डिविडेंडो का नाम लिया था, उससे और देख लेते हैं, मैंने बोला इसमें सीएनडी लगाया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो देखो पहले इधर लगा लेता हूं, एलएचएस में आसान है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 लिखा है, तो न्यूमरेटर में चलो प्लस करो माइनस करो जो भी करना है वही ऑपरेशन आरएचएस में करना है, तो लेट्स से मैंने प्लस किया, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्या लिखा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एलएचएस में लिखा, अब आरएचएस में लिखते हैं, तो ऊपर तो मैंने एडिशन लिखा है, तो ऊपर एडिशन लिख दो, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, इसको एक मिनट के लिए एज इट इज रहने दिया, ये इससे ये कैंसिल, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ये 2 से 2 फिर कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला हमें 1 प्लस कॉस 2 ए अपॉन कॉस 2 ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब एक माइनस इधर एडजस्ट कर देता हूं मैं, इस माइनस को मैं इधर इस साइड भेज के इसको प्लस इसको माइनस कर देते हैं, अब उल्टा कर दो तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना, तो सीएनडी से भी हम डायरेक्टली कर सकते थे, या फिर हमने इधर क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन स्क्वायर को एक तरफ लेके आए थे, बाकी सारे टर्म्स उधर लेके गए थे, क्लियर है। चलो अब मैं लिस्ट कर देता हूं जो हमने 7 फॉर्मूले अभी देखे, अभी तो केवल कॉस 2 ए देखा है, ठीक है ना, अभी ऐसे हमारे साइन 2 आएंगे, ठीक है, साइन 2 ए वगैरह में ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फॉर्मूले कॉस 2 ए के लिए थे, ठीक है ना, फिर हम साइन 3 ए देखेंगे, कॉस 3 ए देखेंगे, टेन 2 ए, टेन 3 ए, ठीक है ना, ये सब हमारा टारगेट है, और प्लस इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में, ठीक है, थोड़ा नया चीज है अपने लिए इसलिए बने रहना, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला एक बार मैं लिस्ट कर रहा हूं सारे फॉर्मूले, ठीक है, एक जगह कॉस 2 ए के, तुम लोगों को भी लिखना है एक जगह, पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आया, दिस इज कॉस 2 ए, ठीक है, इसके बाद फिर साइन को कॉस में किया तो क्या आया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, दिस इज कॉस 2 ए, और एक और कॉस 2 ए का फॉर्मूला क्या देखा हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो हमने सबसे पहले 4 देखे थे, ठीक है, उसके बाद 3 और देखे, क्या देखे 3, इसी को मैंने 2 साइन स्क्वायर एक तरफ लिख के बस रीअरेंज कराए था, तो 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ए, सिमिलरली 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ए, और एक बार मैंने क्या इसमें क्या किया टेन स्क्वायर ए को एक तरफ लिखा और कॉस ए के सारे टर्म एक साथ लेके गया, तो उधर से क्या मिला हमें टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ए अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ए, तो ये सातों एकदम टिप्स पे होना चाहिए, मीन में भी कोई पूछ ले तो यू शुड बी एबल टू टेल, एकदम टिप्स पे बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी तक जो भी हम फॉर्मूले पढ़ के आए ना उन सब में सबसे ज्यादा अभी यही चीज यूजफुल होने वाली ये वाले फॉर्मूले कॉस 2 ए के, और नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस वगैरह सभी चैप्टर्स में ये सब फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, 2-3 बार बोलो मन में ऐसे हाथ रख के, जैसे जनरली हैबिट होता है बच्चों का ऐसे पेज पे हाथ रख के, फिर एलएचएस रखो और आरएचएस खुद से बोलो, ठीक है ना, डू दैट वे, ठीक है। चलो अब हम साइन 2 ए पे जंप करते हैं, ठीक है, तो पॉज करो इसको एक बार लिख लो, साइन 2 ए के उतने फॉर्मूले नहीं है, ठीक है ना, चलो साइन 2 ए पे आते हैं, तो साइन 2 ए का हमें को फॉर्मूला ड्राइव करना है, पहले साइन ऑफ 2a, तो अगेन जैसे cos 2a का किया था तो हमने क्या लगा क्या किया था cos of a plus a, सिमिलरली आई विल डू हियर आल्सो, क्या लिखूंगा मैं sin of a plus a, ठीक है, फिर sin of a plus b वाला फॉर्मूला, तो क्या होता था हमारा sin a, चलो पूरा ही लिखते हैं sin a cos b, और b की जगह मेरा a ही लिखा है तो sin a cos a plus sin b cos a, सॉरी sin a cos b plus cos a sin b, तो cos ए और साइन बी, और बी की जगह अगेन ए लिखा है तो ये क्या मेरा हो गया, ये तो सेम ही टर्म लिखी है दो बार, तो आई कैन राइट इट एज 2 साइन ए कॉस ए,
तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइन टू ए. ठीक है. अच्छा चलो, मैंने तुम्हें बोला नेक्स्ट टारगेट कि क्या हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो तुम लोग ट्राई करो एक बार 10 में कन्वर्ट करने का. अब मैंने बोल दिया तुम्हें 10 ही चाहिए उधर, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली 10 हियर. तो स्टार्ट करें 10 में कन्वर्ट करना. देखो 10 साइन को 10 में कन्वर्ट करना है तो इसके नीचे एक कॉस चाहिए मुझे, तो ऊपर नीचे मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया. ऑफकोर्स ये मेरे पास एक मेथड है, मैंने बोला 2 साइन ए, इसके नीचे मुझे कॉस ए चाहिए 10 बनाने के लिए, तो कॉस ए किया. नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर एक ऑलरेडी कॉस ए है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है. मतलब जो चीज ऊपर लिखी है वही अभी इधर लिखी है, कोई चेंज नहीं है. तो मेरा ये तो 10 में कन्वर्ट हो गया, तो ये लिखा है 2 tan a इंटू कॉस स्क्वायर. अब याद करो पिछला वाला प्रूफ, जब हमने उधर 10 में कन्वर्ट किया तो हमने कैसे सोचा था कॉस स्क्वायर के, उसको पहले हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, sec स्क्वायर a कर देते हैं, और फिर sec स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, 1 plus tan स्क्वायर a. तो हो गया ये भी काम कंप्लीट. तो 2 tan a अपॉन 1 plus, अच्छा पहले sec स्क्वायर लिख लेते हैं, चलो एक स्टेप बाय स्टेप, sec स्क्वायर a, और फाइनली दिस इज 2 tan a अपॉन 1 plus tan स्क्वायर a. ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला. ठीक है, ये दोनों तो बहुत ज्यादा यूज होंगे. अब एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, दो फॉर्मूले और जो इनके कंपैरेटिवली लेस यूज होंगे, ठीक है ना, वो भी हम लिखते हैं. क्या है, अब देखो मैंने बोला एक मिनट इसको एक्सपेंड करो, साइन ए प्लस कॉस ए को इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करो, क्या आएगा, क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए. अब देखो यही चीज जनरेट हो गई, दिस इज साइन टू ए, अभी हमने फॉर्मूला देखा 2 साइन ए कॉस ए साइन टू ए, तो दिस इज 1 प्लस साइन टू ए. तो फाइनली मुझे साइन टू ए क्या मिला, साइन टू ए, दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर माइनस 1. दिस इज अवर नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर साइन टू ए. अच्छा एक और फॉर्मूला कैसे जनरेट कर सकते हैं, अब इंस्टेड ऑफ साइन ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, आई विल यूज साइन ए माइनस कॉस ए. मैंने बोला साइन ए माइनस कॉस ए इसका स्क्वायर लिखा, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच विल बी 1, बट इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 ए बी के कारण क्या आएगा माइनस 2 साइन ए कॉस ए. तो मेरा ये क्या हो गया 1 माइनस साइन 2 ए, दिस इज व्हाट साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर. तो ये एक तरफ इस साइड लेके आ जाओ तो साइन 2 ए का चौथा फॉर्मूला, दिस विल बी 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर. तो ये कहानी खत्म हमारी, यही चार फॉर्मूले तुम्हें साइन 2 ए में पढ़ने. ये तो फिर भी नहीं भी पढ़ोगे तो चले, मतलब नहीं भी पढ़ोगे से मतलब फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ये दोनों है, मतलब साइन 2 ए 2 साइन ए कॉस ए या फिर 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. क्लियर है बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं. एंड डोंट वरी, अपन मैं याद भी करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, दो तीन बार बीच बीच में याद दिलाते रहूंगा फॉर्मूले. ठीक है, तो मैंने बोला अब क्या कर रहे हैं, अब हम जंप करते हैं tan 2a पे कर लेते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया, अब tan 2a पे कर लेते हैं. तो tan 2a देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो हमने अभी ड्राइव कर लिया उन्हीं की मदद से करें, और मुझे tan 2a लिखना है इन टर्म्स ऑफ tan a. ठीक है ना, I have to write my target is to write tan 2a in terms of tan a. और ज्यादा इसमें हमें और कुछ नहीं लिखना है, ज्यादा हमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं देखने, tan 2a में केवल एक ही टारगेट है मेरा, I have to express tan 2a in terms of tan a. तो क्या करें, पहले इसको sin upon cos लिख लेते हैं, और sin और cos हमें पता है tan a के टर्म्स में, आज ही हमने ड्राइव किया है. तो क्या करें इसको, पहले तो मैंने लिखा sin 2a upon cos 2a, यहां तक कहानी क्लियर. अब साइन 2a और कॉस 2a आज की क्लास में हमने देखा इन टर्म्स ऑफ tan a, तो ये चलो न्यूमरेटर क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. तो ये कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट आउट विथ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया tan 2a का. ठीक है, अच्छा देखो जब भी फॉर्मूले तुम देख रहे हो ना, तो यू कैन मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग. जैसे मैं हर बार बोलते आ रहा हूं, जैसे साइन 2a का हमने याद किया, ठीक है ना, तो अब tan 2a में तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा कि बस वो साइन में इधर नीचे 1 plus tan स्क्वायर है, इधर 1 minus tan स्क्वायर है, न्यूमरेटर सेम है. ठीक है ना, इस टाइप से अपने वे ऑफ मतलब बनाओ मेमोराइज करने के फॉर्मूले. ठीक है ना,
तो ये हो गया हमारा tan 2a का फॉर्मूला। चलो अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे जंप करते हैं। वैसे इसका एक और फॉर्मूला है, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, ठीक है ना। एक्चुअली वो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा tan 2a का, अभी नहीं। जब इधर अगर तुम्हें छोड़ना है जगह थोड़ा सा छोड़ सकते हो, बट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उसका एप्लीकेशन है वो, ठीक है। बट एज अ फॉर्मूला भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। चलो तो हमारे अभी तीन हो गए, एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम आगे 3a पे जंप करते हैं। तो पहला हमारे था cos 2a, उसके लिए हमने पहला फॉर्मूला cos square a minus sin square a, फिर 1 minus 2 sin square a, 2 cos square a minus 1, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, चार हो गए। फिर मैंने बोला था हम 2 sin square a को क्या लिखेंगे, 1 minus cos 2a के फॉर्म में भी याद रखेंगे। सिमिलरली 2 cos square a is 1 plus cos 2a, ये सात छह हो गए। और लास्टली tan square a को क्या लिख सकते हैं, cos 2a के टर्म्स में 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a, ये सात उधर हो गए। साइन 2a में हमने चार देखे, सबसे पहला 2 साइन a cos a, वो बहुत ही ज्यादा यूज होगा, और अभी के लिए नहीं, पूरा कैलकुलस में सब जगह यूज होगा, कोऑर्डिनेट कैलकुलस एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद tan के टर्म्स में क्या लिखा हमने साइन 2a का, 2 tan a upon 1 plus tan square a। और लास्टली हमने इधर दो फॉर्मूले देखे थे, वो लेस यूजफुल है फिर भी याद रख लेंगे हम, साइन x साइन a plus cos a का स्क्वायर माइनस 1, और एक हो जाएगा 1 minus साइन a minus cos a का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना देख लिया, और हाँ लास्टली tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a upon 1 minus tan square a। मैंने कैसे बोला याद रखने को, sin 2a में क्या था, डिनोमिनेटर 1 plus tan square a था, tan 2a में क्या, डिनोमिनेटर 1 minus tan square a, ठीक है ना। दिस इज द वे टू मेमोराइज। अब हाँ चलो अब अपन करते हैं फाइनली sin 3a का, sin ऑफ 3a। तो कैसे स्टार्ट करें सोचो एक बार। अगेन मेरा टारगेट क्या है, मुझे लिखना है टू एक्सप्रेस, पहले लिख, ऐसे क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो इसको, तुम लोग ऐसे क्वेश्चन ट्रीट करो, वीडियो पॉज करो, मैं इधर क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, एक्सप्रेस साइन 3a। चलो ऐसे लिख रहा हूं क्वेश्चन, जो आखिरी में रिजल्ट आएगा उसको मेमोराइज करना है ऑफकोर्स, बट एज ए क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बोला एक्सप्रेस साइन ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन साइन के टर्म्स में तो मैं इसमें लिखना है, ठीक है। तुम लोग पॉज करो और इसको करो, अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया a प्लस टू ए, ठीक है। अब वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, साइन ऑफ a प्लस बी वाला। तो देखो क्या लिखेंगे हम, साइन a कॉस b, कॉस b की जगह क्या आएगा, कॉस टू ए, तो कॉस टू ए प्लस कॉस a साइन b विच इज टू ए। देखो अभी तक कोई दिक्कत कहीं कोई स्टेप में, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या बोला, मुझे क्या निकालना है, दिस आई हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है, ये टारगेट है। तो अब देखो ये तो मेरा दिख रहा है कि इस साइन टू ए को तो मैं क्या लिखूंगा, टू साइन ए कॉस ए। अब इस कॉस टू ए के पास मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा मैं यूज करूं, कौन सा मैं यूज करूं, कीपिंग दैट इन कीपिंग दिस इन माइंड कि हमें इसको साइन ए के टर्म्स में लिखना है, तो डेफिनेटली मैं साइन वाला यूज करूंगा इधर। उसमें से एक कौन सा फॉर्म था जिसमें पूरा सब कुछ साइन के टर्म्स में लिखा था हमने इसको, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो करते हैं अब, मैंने बोला इसको तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए इन टू, और इसको 2 साइन ए कॉस ए। अब मैंने तुम्हें बोला पूछा कि क्या ये साइन में कन्वर्ट हो गया, नहीं अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो कॉस के टर्म्स है तो उसको कर सकते हैं क्या, हाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कॉस स्क्वायर लिखा है, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं। तो करते हैं, मैंने लिखा साइन ए इंटू 1, पूरा ओपन किया इसको, तो साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो ये 2 साइन ए तो मैंने बाहर लिखा प्लस 2 साइन ए, और जो कॉस स्क्वायर लिखा है उसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को साइन के टर्म्स में लिखना है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है ना। अब ये साइन ए और इधर से 2 साइन ए, तो साइन ए प्लस 2 साइन ए 3 साइन ए, इस लाइन में हमारा आंसर आने वाला है 3 साइन ए माइनस माइनस 2 साइन क्यूब है, और ये 2 साइन ए जब माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 साइन क्यूब बनेगा, और ये माइनस 2 साइन क्यूब, तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए, तो माइनस 4 साइन क्यूब ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3a, इसमें भी हमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना है साइन 3a का, बस ये एक मात्र, ठीक है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए।
तो ये हमारा एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट हो गया कि वी हैव टू एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ, सॉरी साइन थ्री ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए. सो दिस इज द आंसर फॉर दैट. क्लियर है? चलो अब क्या करें, अब तुम्हारा टारगेट है नेक्स्ट कॉस थ्री ए करो. तुम्हारा टारगेट है अब तुम करो एक्सप्रेस कॉस थ्री. मैं लिख देता हूं थोड़ा सा रब करके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इधर कॉस थ्री ए होगा, इधर कॉस ए होगा. अब हमारा ये फॉर्मूला इधर हो जाएगा कॉस थ्री ए का कॉस ऑफ थ्री ए. तो एक्सप्रेस कॉस ऑफ थ्री ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए. दिस विल बी योर नेक्स्ट एज ए क्वेश्चन और एज ए फॉर्मूला भी हमको जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना ही है. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको तुम लोग करो. ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं और मैं इसको करता हूं. तो सुनना, जैसे अभी इसको किया सेम सेम, कोई दिमाग अलग खर्च नहीं करना है. जैसा इधर किया था वैसा ही वैसा करना है, सेम सेम चीज करना है. क्या किया था हमने, साइन थ्री को क्या लिखा था, ए प्लस टू ए ना, तो इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं. तो मैंने लिखा कॉस थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस टू ए, या फिर टू ए प्लस ए वन एंड द सेम थिंग. फिर मैंने लिखा इसको कॉस ऑफ ए प्लस बी, इधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. उधर क्या था, कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आता है. इधर क्या होता है हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. क्लियर है यहां तक? अब मैंने क्या बोला, अब सुनना, इस साइन टू ए के पास तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए. ठीक है, बट इस वाले कॉस टू ए के पास मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट कौन सा मैं यूज करूं. तो फिर हम इस पे जाएंगे कि मुझे किसके टर्म्स में लिखना है, इसको कॉस ए के टर्म्स में लिखना है. सो आई विल राइट दिस एज, उधर क्या लिखा था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, बिकॉज साइन चाहिए था. इधर क्या है, कॉस चाहिए, तो कॉस के लिए क्या था, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. सो दिस इज टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. ठीक है ना, तो कॉस ए इंटू दिस क्या हो गया, टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए. चलो अब इधर आते हैं, तो मैंने बोला इधर इसको डाके टू साइन ए लिखा है, तो माइनस टू कॉस ए. अगेन इधर क्या आ गया, साइन स्क्वायर है, तो डेफिनेटली मुझे कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, उसको वन माइनस कॉस स्क्वायर है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो चलो ओपन करते हैं. तो देखो इधर से माइनस टू कॉस ए इन टू माइनस कॉस स्क्वायर है, टू कॉस क्यूब है, और इधर टू कॉस क्यूब ए ऑलरेडी लिखा है, तो टू प्लस टू फोर. सो दिस इज फोर कॉस क्यूब ए माइनस, इधर से माइनस कॉस है, इधर से माइनस टू कॉस है, तो माइनस थ्री कॉस है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ थ्री ए. ठीक, तो इसको भी हम मेमोराइज करेंगे. ठीक है ना, अब देखो पैटर्न को समझो. देखो एक बार एक याद रखोगे साइन थ्री ए वाला, तो ये अपने आप याद हो जाएगा. उल्टा हो गया, जैसे उधर क्या था, एक बार इधर ही लिख लेते हैं, साइन थ्री ए वाला उधर क्या था हमारा, साइन थ्री ए इज इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर कॉस क्यूब ए. इधर क्या है, फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री कॉस ए. ठीक है, अच्छा जैसे कभी कंफ्यूजन भी हो जाए ना, तो मैं यू कैन रिमूव दैट कंफ्यूजन. मतलब मान लो तुम्हें कहीं कंफ्यूजन हो गया कि भाई इधर फोर कॉस क्यूब माइनस थ्री कॉस ए था, या थ्री कॉस ए माइनस फोर साइन फोर कॉस क्यूब था. कैसे रिमूव करोगे, कोई भी एक ही एक वैल्यू रख दो, ऐसी वैल्यू रखो जिसके करस्पॉन्डिंग हमें दोनों साइड एंगल पता हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को 30 डिग्री रख दिया, ए को 30 डिग्री रख दिया. ठीक है, तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, कॉस 90. चलो 15, फिर 20 का दिक्कत होगा, 30, चलो 30 रख दो, कोई दिक्कत नहीं. तो यू कैन वेरीफाई विद 30 डिग्री. ठीक है ना, या फिर 15 डिग्री भी रख सकते हो, 15 डिग्री. ठीक है ना, क्योंकि 15 डिग्री हमें पता है ऑलरेडी. तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर कभी कंफ्यूजन हो ना प्लस माइनस का, या फोर इधर था या थ्री इधर था, तो दैट यू कैन रिमूव. वैसे तो होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने बोला है कि जो फॉर्मूले मैं बॉक्स में लिखवा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनके बिना काम ही नहीं चलेगा आगे तुम्हारा पूरा मैथमेटिक्स में. बट फिर भी कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है ना, इवन टीचर्स को भी हो जाता है कभी कभी. तो हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, कोई भी एक एंगल रख के देख लेते, दोनों साइड बराबर आना चाहिए अगर करेक्ट फॉर्मूला लिखा है. ठीक है ना, चलो तो ये हो गया हमारा कॉस थ्री ए, उसका फॉर्मूला. अब आते हैं हम टेन टू ए हो गया, अब हमारा फाइनली क्या बचा, टेन थ्री ए. तो चलो टेन थ्री ए कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी आज हमने सीखा. उसके पहले मैं क्या करूंगा, एक बार सारे फॉर्मूले लिस्ट करूंगा, या फिर तुम लोग करना, देखते हैं जैसा भी टाइम होता है हमारे पास. क्या बोला मैं, एक बार मैं ये लास्ट फॉर्मूला कर लू टेन थ्री ए वाला, उसके बाद फिर हम सारे लिस्ट करेंगे फॉर्मूले. तो देखो टेन थ्री ए, ठीक है, टेन थ्री ए का फॉर्मूला. तो कैसे करें हम,
कैसे स्टार्ट करें? तो देखो इसको करने के भी बहुत तरीके हैं। एक तो तुम लोग कर सकते हो साइन थ्री अपॉन कॉस थ्री, दैट इज द वन वे। और भी तरीके कैसे हैं? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? याद है अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो उसको रिकॉल कर लेते, टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या था, एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू प्लस एस फोर आएगा नहीं, बिकॉज तीन ही टर्म, ये था हमारा, क्लियर है यहां तक? अब देखो इधर मैंने क्या किया, बी की जगह भी ए डाल दिया, सी की जगह भी ए डाल दिया, ठीक है। अच्छा एस वन होता क्या था मेरा, सिग्मा टेन ए होता था, सिग्मा टेन ए मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। तो इधर क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए, तो क्या आ जाएगा, एस वन विल बी वॉट थ्री टेन ए, क्लियर है। वैसे क्या होता था, सिग्मा टेन ए मतलब टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, तीन टर्म्स हैं तो, बट तीनों ए सेम है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू थ्री, तो टेन ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए क्या हो जाएगा, थ्री टेन ए। अब आते हैं एस थ्री पे, एस थ्री क्या होता था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स सेकंड थ्री एट ए टाइम, तो तीन ही टर्म्स हैं, तो ये क्या आ जाता था, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी होता था, बट ए बी सी हमारा तीनों बराबर है, तो बेसिकली एस थ्री क्या हो गया, टेन क्यूब ए, क्लियर है। एस टू पे आते हैं, एस टू क्या होता था हमारा, सिग्मा टेन ए टेन बी, मतलब दो 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 के पेयर, तो हमें पता है कितने पेयर बनेंगे, तीन तीन अगर हैं तो कितने पेयर बनेंगे, तीन ही पेयर बनेंगे, ए बी बी सी और सी ए। तो इसका मतलब क्या होता था, जैसे एक्सपेंड करके लिखे हम इसको एक बार, तो जिस टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। अब मैंने बोला ए बी सी तीनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर है, ये भी टेन स्क्वायर है, ये भी टेन स्क्वायर है, तो टोटल क्या हो गया, थ्री टेन स्क्वायर है, थ्री टेन स्क्वायर है। अब ये तीनों वैल्यूज तुम इसमें प्लग कर दो, फाइनली हमें टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को, ठीक है ना, अभी तो याद रहता है बिकॉज अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, कुछ टाइम तक याद रहेगा, बट बाद में हो सकता है तुम्हें इसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाए, थ्री इधर था या इधर था, मतलब इस क्यूब इधर था या लीनियर इधर था, इस टाइप के कंफ्यूजन होते हैं जनरली इस फॉर्मुले में, बट वो अब नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने इसका डेरिवेशन तुम्हें बताया, ये तो हमें आसान है ना याद रखना। अब हमें पता है इधर S1 होता, इधर S1 माइनस S3 होता था, तो S1 की जगह क्या है, सिग्मा टेन ए होते A, A, O, B, C बराबर है, तो क्या आ जाएगा, थ्री टेन ए माइनस S3 क्या है, टेन ए टेन बी टेन सी टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। तो इसलिए डेरिवेशन कराया जाता है बेसिकली, तुम्हारी लेवल ऑफ थिंकिंग और बढ़े, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन ऐसा नहीं कि डेरिवेशन बिना करे तुम लोग काम चल जाएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं है। डेरिवेशन जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, उतना ही उनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें एडवांस क्लियर करना है, ठीक है ना, अवर टारगेट इज नॉट जस्ट मेंस, वी हैव टू क्लियर एडवांस, और एडवांस के लिए हर एक चीज क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया सारा। अच्छा तुम्हारा टारगेट क्या है, अब तुम मुझे दोगे, देखते कौन देता है मुझे, व्हाट्सएप करता है, मैं बोलूँ इसको ऐसे लिखना साइन थ्री ए अपॉन कॉस थ्री ए, और फिर इसको कन्वर्ट करके ऐसे लेके आओ, देखते कौन करके देता है, ठीक है ना, दैट विल बी होमवर्क क्वेश्चन, याद से करना है, ठीक है, लिख लो ऊपर, अगर नोट्स में लिख रहे हो तो ऊपर लिख लो कि मुझे इसको इस काउंट में लिखना है, ठीक है, योर टारगेट इज टू एक्सप्रेस दिस एज दिस, ठीक है। अब कैसे जाना है वो तुम्हारा दिक्कत है, नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलो तो अब हम फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन टुडेज जो भी हमने आज पढ़ा। उससे पहले एक काम करो, तुम लोग वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले लिखो एक बार, सारे फॉर्मूले लिखो, फिर मैं ओरली बोलता हूं, जस्ट वेरीफाई तुमने सारे लिखे कि कुछ मिस हो गए, होगा मिस होगा, ऐसा नहीं कि मिस नहीं होगा, एक ही बार में सारे आ जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ मिस होंगे बट एटलीस्ट कुछ तो याद रहे होंगे ना। अभी पलटना नहीं है पेज, बस पेज नहीं पलटना है, अभी जितना तुम्हारे मेमोराइज है दिमाग में उसी के बेसिस पे अभी जो मैंने आज फॉर्मूला पढ़ा है उतना लिखो, अभी जस्ट पॉज करके, डोंट लुक एट द नोटबुक, पीछे कोई नहीं देख रहा तुम्हें, ठीक है ना, कोई नहीं देख रहा है, जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से सच रखो। मैंने बोला क्या करो, एक पेज पे जो भी आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और मल्टीपल एंगल्स में पढ़े फॉर्मूले, ठीक है ना, वो तुम्हें लिखने हैं। कॉस टू ए के सात लिखे थे, साइन टू ए के चार लिखे थे, और फिर बाकी के मैंने एक एक लिखा था, टेन टू ए साइन थ्री ए कॉस थ्री ए और टेन थ्री ए, तो कितने हो गए, सात और चार ग्यारह, फिर बारह तेरह चौदह पंद्रह, टोटल पंद्रह फॉर्मूले हैं तुम्हारे अभी। अब देखो तुम कितना रिकॉल कर पाते हो, ठीक है, बट पीछे नहीं देखना, ऐसा नहीं कि एक बार रिवाइज करके फिर लिखते, नहीं 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 फिर नहीं,
देखो कि अपने आप के लिए जजमेंट है वो, तो अपने लिए खुद के लिए, ठीक है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं एक बार डिक्टेट करता हूं पहले, आई होप तुमने पॉज कर लिया, अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक है ना, आई एम डिक्टेटिंग ऑल 15 फॉर्मुलेस, लिखते कितने तुम लोग कर पाए हो, तो स्टार्टिंग विथ, अब उल्टा चलते हैं, ठीक है ना, हर बार आगे से स्टार्ट करते हैं तो आगे के तो अच्छे होते जाते हैं, पीछे तक अपनी वो स्टैमिना कम हो जाता है, तो पीछे आगे पीछे के रह जाते हैं, तो उल्टा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले 10 3a, 10 3a का क्या बोला, 3 10a माइनस 10 3a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, ठीक है, मैंने मेमोराइज कैसे बोला, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2, इससे मेमोराइज करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, पहला, फिर cos 3a, 4 cos3a माइनस 3 cos a, चेक करो तुम सही लिखे हो नहीं, फिर sin 3a, 3 sin a माइनस 4 sin3a, फिर 10 2a इन टर्म्स ऑफ 10a, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो ये हमारे कितने हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए, अभी 11 बचे हैं, अब पहले 4 फॉर्मूले sin 2a के, तो पहला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा पूरे मैथमेटिक्स में, 2 sin a cos a, उसके बाद उसका 10 के टर्म्स में 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, देखो 10 2a में तो क्या आता है, डिनोमिनेटर 1 माइनस 10 स्क्वायर आता है, sin 2a में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, दो फॉर्मूले होगा sin 2a के, फिर हमने देखा वो sin x प्लस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर माइनस 1, एक फॉर्मूला ये, और एक लिखा 1 माइनस sin a माइनस cos a का स्क्वायर, ये दो हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए, उसके बाद आते फाइनली सबसे ज्यादा फॉर्मूला किसमें, cos 2a में, तो cos 2a में पहला फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, फिर इन टर्म्स ऑफ sin a क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, इन टर्म्स ऑफ cos a क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, उसके बाद फिर मैंने बोला था फिर 10 स्क्वायर a वाला और पढ़ा, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये चार तो तुम्हें एकदम दिमाग में रखना ही है, फिर मैंने बोला सेकंड और थर्ड फॉर्मूला है उसको हम कैसे याद रखेंगे, एक और फॉर्म में 2 sin स्क्वायर a 1 माइनस cos 2a, 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a, और जो लास्ट वाला था जिसमें हमने लिखा था cos 2a को 10 स्क्वायर a के टर्म्स में, अब उल्टा करेंगे हम, 10 स्क्वायर a को लिखेंगे cos 2a के टर्म्स में, तो वही पैटर्न आएगा, 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग, तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, क्लियर है, तो ये हो गया हमारे आज के 15 फॉर्मूले, आई होप बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे करेक्ट आए हो, सारे करेक्ट आए हो होपफुली, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेज फॉर्मूले, ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम, पहले मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, सो दैट फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाए, इसलिए मेरा टारगेट है शुरू में थोड़े साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है ना, वी हैव टू प्रूव इट, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और वाला जो मैंने बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा cos थीटा, एक एक लाइन की दो दो लाइन के प्रूफ है ये अभी शुरू के जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं 4-5, 1 प्लस cos 2 थीटा, अब रिकॉल करो 1 प्लस cos 2 थीटा मैंने कैसे याद करवाया था, जो cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले लिखे थे उसमें जो सेकंड टाइम मैंने तीन और लिखे थे, सात करे थे हमने टोटल, उसमें फॉर्मूला था 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने बोला था वो बहुत यूजफुल होगा, तो क्या लिखूंगा 1 प्लस सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये 2 से 2 कैंसिल, 1 cos गया तो ये आ गया 10 थीटा, हेंस प्रूव, क्लियर है, अच्छा अब मैंने क्या बोला, इसको भी हम एज ए फॉर्मूला याद रखेंगे, बिकॉज ये भी बहुत जगह आता है एक्सप्रेशन, और ये चीज अब सुनना, ये तो याद रखेंगे, इसको मैं याद है अपने जब स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसमें इस टाइप की चीज मैंने कराई थी, देखो याद करो ऐसे लिखा था साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, क्या करते थे हम इसका उल्टा 1 प्लस लिखते थे इधर 1 प्लस कॉस एक्स और इधर ये वाला साइन एक्स इधर लिखते थे, याद आया, तो वो चीज इधर भी लिख सकते हैं हम, कैसे लिखे आप देखो मैंने क्या बोला 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, तो अब न्यूमरेटर में लिखो 1 माइनस cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में क्या लिखो sin 2 थीटा, सो अगेन ये तीनों चीजें बराबर है, तो इसको अगर हो सकता है तो इफ पॉसिबल देन मेमोराइज इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट आल्सो, ठीक है, क्लियर हुआ, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगेन sin 2 थीटा ऊपर वाला क्वेश्चन है, बस इधर मैंने 1 माइनस cos 2 थीटा लिख रहा हूं, 1 माइनस cos 2 थीटा, तो करते हैं इसको, तो अगेन ये किसके बराबर है अपन देख लेते हैं, सिंपलीफाई लिख नहीं रहा हूं मैं, RHS क्या है, एक बार सिंपलीफाई करते हैं, मतलब आई हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ थीटा, ऐसा मान लिया मैंने, तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा, तो इधर 1 प्लस cos 2 थीटा था तो
टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा है तो टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये टू से टू कैंसिल, साइन थीटा से एक गया तो ये क्या बचा, कॉट थीटा, ये कॉट बचा। और बेसिकली देखो, ध्यान से देखो, ये और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, और अगर ये टेन थीटा के बराबर है तो ये ऑफकोर्स कॉट थीटा के बराबर होगा। ऐसे भी तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन से। क्लियर हुआ क्या बोला मैं? मैंने बोला ये और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ध्यान से देखो, साइन टू थीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू थीटा, और ये क्या लगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, और ये चीज टेन थीटा के बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा, वन अपॉन टेन थीटा विच इज नथिंग बट कॉट थीटा। ऐसे भी हम बोल सकते थे, ठीक है। चलो तो फिर पॉज करो इसको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, कॉपी कर लो, ठीक है ना, कॉपी करते रहना। अगर मैं बीच में बोलू नहीं तो भी, ऐसा हर बार मैं बोलता हूं कि अगर मैं बोलू नहीं बाय डिफॉल्ट इट मींस कि यू हैव टू पॉज इट एंड यू हैव टू डू ऑन योर ओन फर्स्ट, ठीक है। हाँ चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कैटेगरी ऑफ फॉर्मूले, वन प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस साइन ऑफ टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, चलो निकालो इसको, सिंप्लीफाई करना है, मान लिया सिंप्लीफाई करना है, तो पहले वीडियो पॉज करो एक बार तुम लोग करो, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूं, तो देखो क्या क्लिक कर रहा है, देखो साइन टू थीटा तो हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो अब मेरे पास ऑप्शन है, क्या है, एक तो मैं वन को साइन टू थीटा के साथ क्लब करूं या कॉस टू थीटा के साथ, दो ऑप्शन है मेरे पास, तो बेटर ऑप्शन क्या है, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा। अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों, वो भी कर सकते, वैसे भी कर सकते बट उससे टफ जाएगा थोड़ा, यू कैन ट्राई दैट वे, वन प्लस साइन टू टू थीटा को क्लब करो, उसको क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वैसे भी कर सकते हैं मैंने बोला, ठीक है ना, बट मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड बता रहा हूं। मैंने बोला जनरली क्या है, वन प्लस कॉस टू थीटा फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है ना, इसमें साइन टू थीटा में क्या था, वो जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर वगैरह, मतलब स्क्वायर टाइप की चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी और कॉम्प्लीकेट हो जाएगा एक्सप्रेशन, सो इट्स बेटर यू क्लब वन विद कॉस टू थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, वन प्लस कॉस टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी, अब मैं वन और कॉस को क्लब कर रहा हूं एक साथ, तो वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा प्लस साइन ऑफ टू थीटा, क्लियर है। अब फॉर्मूला लगा देते सिंपली, वन प्लस कॉस टू थीटा क्या था, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर वन माइनस कॉस टू थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो तुम मैंने क्यों कराया था वो ड्राइव, जो सात में से जो कॉस टू थीटा के आखिरी में जो तीनों और करवाए थे, तो देखो बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है ये, वन प्लस कॉस थीटा एंड वन माइनस कॉस थीटा, बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली है, मतलब ये फॉर्मूला जो है ना, वन प्लस कॉस टू थीटा और वन माइनस कॉस टू थीटा, ये ज्यादा यूज होगा एज कंपेयर टू कॉस थीटा एंड कॉस टू, मतलब एज कंपेयर टू कॉस टू थीटा, ठीक है, तो बहुत जगह यूज होगा ये, तो इसलिए एकदम टिस्ट होना चाहिए। प्लस अगेन साइन टू थीटा को टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू 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 कैंसिल, अब कॉस थीटा बाहर ले लो, कॉस थीटा न्यूमरेटर, तो इधर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे से बाहर ले लो साइन थीटा, तो इधर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो अगेन ये कैंसिल हो गया, या लेफ्ट आउट विथ कॉट ऑफ थीटा, सिंप्लीफाई हो गया एकदम, ठीक है। चलो तो फिर पॉज करो इसको, कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ तो नेक्स्ट है हमारा, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन, कॉस टू थीटा, हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन इट इज गुड, कॉपी कर, पॉज करना, ठीक है ना, और खुद से ट्राई करना है, सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं देखना है, इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा, करो इसको, इसको करो तुम लोग, ये थोड़ा उनसे बेटर क्वेश्चन है, ठीक है ना, उन क्वेश्चन से जो हमने किए उनसे दिस इज ऑफकोर्स बेटर क्वेश्चन। कैसे करें आप देखो, कॉस टू थीटा दिखाई दे रहा है, वन प्लस साइन टू थीटा, क्या करा जाए, तो देखो एक चीज को क्या है ना, जब हमें प्रूफ करना होता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं ना, एक इजी वे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हो सकता है उसके बाद क्लिक कर जाए, समझ में आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस थीटा, याद करने को भी बोला था मैंने इसको, टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस ए के फॉर्म में लिखवाया था मैंने, क्या लिखा था, वन माइनस टेन ए अपन वन प्लस टेन ए, बेसिकली हम इधर क्या करेंगे, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन ए माइनस टेन बी अपन वन प्लस टेन ए टेन बी, बट टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ऑफ पाई बाय फोर विच इज वन, तो उसके कारण हमारा ये क्या बनेगा, वन माइनस
tan theta upon 1 plus tan of theta, ये बनेगा। अच्छा अब देखा इसमें कुछ क्लिक कर रहा है क्या, तो एक काम करते हैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट ऑफ कर लेते हैं, हो सकता है तब क्लिक कर जाए। मैं ये लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूं कैसे हम स्टार्ट करें क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में दे रहा मल्टीपल वेज। मैं देखता हूं कुछ बच्चे इवन बहुत अच्छा सॉल्यूशन भेजते हैं, जो मैं करता हूं उस मेथड से भी अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है मुझे कभी कभी बच्चों से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो मैंने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो इसको लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, फिर एलसीएम होगा तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, वो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना डोमिनेटर में। अब देखते हैं, अब क्लिक कर जाना चाहिए, अब क्लिक कैसे कर जाना चाहिए। देखो इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अब याद करो पहला फॉर्मूला कॉस टू थीटा का क्या था, चलो लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे मुझे क्लिक कर जाना चाहिए यार, इसमें तो एक फैक्टर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा, एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो लिखा है। इसका मतलब इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा, इसको चलो मैं इधर लिख रहा हूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ऊपर केवल ये बचना चाहिए, इसका मतलब ये कैंसिल होना चाहिए, इसका मतलब ये चीज नीचे भी आएगी। अब 1 प्लस साइन टू थीटा है, ये नीचे कैसे आ सकती है, ये तो सिंपल है, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो बस, 1 प्लस साइन टू थीटा, ऐसे ही तो हमने लिखा था कॉस साइन टू थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब मेरा ये क्या आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो एक तो मैं गायब कर दिया, तो ये पावर गया एक, तो देखो कोई चीज आ गई। अब कोई बोलेगा नहीं सर हमें ये प्रूफ करना है, तो ठीक है ना उल्टा चलते चले जाओ, क्या करो जैसे मान लो ये आ गया तुम्हारा, तो इधर से इधर कैसे जाएंगे, कर दो डिवाइड बाय, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, या बोल दो डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा। इसको फर्दर ऐसे लिख लो, 1 को लिख लो टेन ऑफ पाई बाय फोर, इधर 1 जो है इधर 10 पाई बाय फोर लिख लो। क्लियर है, समझ में आया। तो कहने का मतलब इससे हमने क्या सीखा कि आरएचएस जो दिया ना उसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर हम देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें, जरूरी नहीं है कि तुम इधर ही तक ही लेके आओ, हाँ ऑफकोर्स आखिरी में तो लेके आएंगे, बट क्लिक करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम पहुंच सकते हैं उधर तक। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। और जो तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट है अगेन रिमाइंड यू, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक दोनों आएगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज्यादा हो या क्वाड्रेटिक का, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बट दोनों आएगा, फिक्स है, ठीक है, बोथ क्वाड्रेटिक एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री। हाँ उससे पहले वाला इनइक्वालिटीज लॉ वगैरह वो इस बार नहीं दूंगा टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कितना क्या आने वाला है, सो दिस इज माय आंसर फॉर दैट। चलो अब मैंने बोला एक और क्वेश्चन सिंपल सा है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या हो सकता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखो जब भी किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछते हैं ना, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम उस एक्सप्रेशन को केवल सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें पहले। तो देखो अभी तो इधर दो वेरिएबल है ना, ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम जो भी निकालनी है, उसमें अल्फा भी है और बीटा भी है, तो मेरा टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट नॉट ओनली हियर इन ट्रिग्नोमेट्री थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए, किसी भी एक्सप्रेशन की मुझे अगर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरा टारगेट क्या होगा, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब इधर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है अल्फा एंड बीटा, तो मुझे सिंगल एक वेरिएबल चाहिए, कैसे हटाऊं, फिर मैं ये इन्फॉर्मेशन यूज करूंगा, तो किसी भी एक वेरिएबल को तुम इससे रिप्लेस कर दो, कहने का मतलब लेट से मैंने बीटा को रिप्लेस किया या अल्फा, वन एंड द सेम थिंग, यू विल गेट द सेम आंसर। मैंने लिखा साइन अल्फा को तो एज इट इज रहने दिया, इसको लिख लिया साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह फ्रॉम हियर आई विल राइट 90 माइनस अल्फा। अब ये क्या हो गया साइन अल्फा, और ये क्या हो गया कॉस अल्फा। अब कोई बता, अब बोले कैसे करें सर, अब देखो कैसे करेंगे, मैंने बोला अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर वाला एक सिंगल फॉर्म, सिंगल फॉर्म में आ गया, क्या हो गया 1/2, तो नीचे लिखा है इधर साइन टू अल्फा लिखा है। अब मैंने बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम क्या होता है प्लस 1, तो 1 इंटू हाफ
क्या आ गया हाफ, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा वेयर अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। क्लियर है? चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो ये भी एक ठीक क्वेश्चन है। मैंने लिखा एंड प्रूव दैट आज के फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है ना, प्रूव दैट टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू कॉस 8 थीटा, ठीक है ना, ऐसे अंडर रूट है, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। और उसने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि थीटा इज लेस देन पाई बाय 16 एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, ये इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है। वी हैव टू सिंपलीफाई दिस, क्लियर है? और ये वाला जो पैटर्न है ना, ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 3, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ठीक है ना, कैलकुलस में, स्पेशली कैलकुलस में यू विल सी इंटीग्रेशन वगैरह में ये सब चीजें यूज होती है। तो कैसे स्टार्ट करें, ऑफ कोर्स इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इतने पार्ट को, पहले मैं इतने पार्ट को दिखा रहा हूं, पहले तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। अब ये देखो क्या आ रहा है, कॉस ए 1 प्लस कॉस, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर इधर ट्वाइस है तो उसका आधा एंगल इधर लिखा है, अब इधर क्या लिखा है 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आएगा, 2 तो ये बाहर ही, 2 कॉस स्क्वायर इस एंगल का आधा, क्योंकि देखो इधर 2 थीटा है तो इसका आधा इधर है, तो ये क्या हो जाएगा 4 थीटा। और ये क्या, इसके क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ दिस लिखा है, फिर बाहर प्लस 2 लिखा है, फिर इसके ऊपर एक अंडर रूट है, फिर प्लस 2 है, और फिर इसके एक अंडर रूट है, ऐसा सिनेरियो हमारा। अब देखो 2 into 2 4, ये क्या हो गया 4 cos square 4 थीटा, उसका अंडर रूट क्या हो गया 2 cos 4 थीटा, ये क्या हो गया 2 cos 4 थीटा। वैसे तो क्या होगा, मॉड होगा, बट मॉड नहीं लगाएंगे, क्यों, ये इंफॉर्मेशन यूज करके, ये इंफॉर्मेशन, अगर थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव थीटा अगर इसमें है तो 4 थीटा क्या होगा मेरा, पाई बाय 4, विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, तो मेरा मॉड नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये इंफॉर्मेशन दिया था इसका कोई यूज नहीं, यूज है, ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है ना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है ना। चलो अब मैंने बोला इस पे आते हैं, अगेन जैसे इधर किया था वो इधर कर देते हैं, तो ये 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस 4 थीटा, और अगेन 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर इस एंगल का आधा 2 थीटा, और इसका अंडर रूट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, व्हिच इज 2 कॉस 2 थीटा, तो क्या बना 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, इसका अंडर रूट बचा। फिर अगेन इसमें से दोबारा 2 कॉमन लेके क्या लिखा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अब ये क्या हो गया 2 cos square theta, तो into 2 4 cos square theta, under root of 4 cos square theta is 2 cos theta, hence proof, clear है? तो इसको याद रखना, इस question को, मतलब मैं बोल रहा हूँ याद भी रखना कैसे हमने तक किया, क्योंकि ये जो question है ना, especially this form, this is will be useful in calculus also, ठीक है ना। चलो मैं इसको wrap करता हूँ, next question पे move करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, sec ऑफ 8 थीटा माइनस 1 sec ऑफ 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec ऑफ 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 8 थीटा अपॉन tan ऑफ 2 थीटा। चलो प्रूफ करो इसको, तुम लोग प्रूफ करो इसको, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या करें, ऑफ कोर्स सेक वगैरह में तो हम कम ही डील करते हैं, हम साइन कॉस में ज्यादा डील करते हैं, तो क्या करें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, तो सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 4 थीटा माइनस 1। अब ये किसके बराबर होगा, एलसीएम लो, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। So finally this is equal to 1 minus cos of 8 theta, और ये cos 4 theta ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया cos of 4 theta, और इधर क्या बचेगा, एक तो 1 minus cos 4 theta और एक बचेगा cos 8 theta, यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम
वन माइनस कॉस एट थीटा क्या होगा हमारा, टू साइन स्क्वायर फोर थीटा, तो टू साइन स्क्वायर फोर थीटा, तो साइन स्क्वायर फोर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन फोर थीटा इंटू साइन फोर थीटा, टू साइन स्क्वायर फोर थीटा लिखा है, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं अभी, प्लस इंटू कॉस फोर थीटा तो लिखा ही है बाहर, वो लिखे रहने देते हैं, अपॉन मतलब, और वन माइनस कॉस फोर थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर टू थीटा आधा हो जाता है ना, तो टू साइन स्क्वायर टू थीटा, तो साइन स्क्वायर टू थीटा को अगेन आई कैन राइट इट एज साइन टू थीटा इंटू साइन ऑफ टू थीटा, ये हो गया टू साइन स्क्वायर टू थीटा इंटू कॉस एट थीटा, कॉस ऑफ एट थीटा, तो देखो अब आओ उस पर एक्सप्रेशन जो तुम्हें दिया है, ऊपर टेन एट थीटा दिया है, तो देखो बन रहा है क्या हमारा टेन एट थीटा, अभी तो नहीं बन रहा है। अच्छा अब देखो क्या किया, इस टू को देखना ध्यान से और इन दोनों टर्म को क्लब किया, इससे मेरा साइन फोर एट थीटा आ जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, तो टू सॉरी साइन ऑफ एट थीटा आ जाएगा, इन दोनों टर्म से मेरा क्या आ जाएगा साइन ऑफ एट थीटा, ठीक है, ये साइन फोर थीटा एक मिनट के लिए इधर रखने दिया साइन ऑफ फोर थीटा, ठीक है जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब क्या किया, इस साइन फोर थीटा को भी चेंज कर देते सो दैट ये टर्म कैंसिल हो गया, देखना ध्यान से, इस साइन फोर थीटा को मैंने लिखा टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, इस साइन फोर थीटा को मैं लिख रहा हूं टू साइन, देखो ध्यान से टू थीटा कॉस टू थीटा अपॉन, ये न्यूमरेटर हो गया अभी पूरा एडजस्ट, अब नीचे वाला लिख देते हैं, तो फाइनली टू साइन टू थीटा साइन टू थीटा और इधर हो गया कॉस एट थीटा, तो देखो ये वाला टर्म जो है मेरा ये तो क्वाड बना देगा और वो कैंसिल हो जाएगा टू साइन टू थीटा, ये इससे कैंसिल, तो और ये वाला कॉस इसके नीचे आके क्या है टेन टू थीटा बना देगा, तो टेन ऑफ एट थीटा अपॉन टेन ऑफ टू थीटा, हेंस प्रूफ क्लियर हुआ, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है ना, ऐसा कोई टफ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो पॉज करो इसको कॉपी कर लो, मतलब इतना क्वेश्चन कर लो आज इसके ऊपर कि एकदम वो जो फॉर्मूले पढ़े ना हमने आज 15 के 15 एकदम टेस्ट होना चाहिए एकदम, अभी तक के सबसे, अभी तक के क्या मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होगा अभी तक, अभी तक क्या मतलब मैंने दोबारा बोला सॉरी, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री अभी और भी क्लासेस बाकी हमारी 4-5 क्लास, तो सब कुछ मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है ना, लॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो टेन ऑफ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते कौन कौन कर पाता है, टू टेन पाई बाय एट प्लस फोर इज इक्वल टू, इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना, वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है टेक्स्ट बुक वगैरह में भी अलग से स्पेसिफाई होता है, एक बार चेक कर लेता हूं, टेन पाई बाय 16 प्लस टू टेन पाई बाय 8 प्लस 4 इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाय 16, हाँ इसको करो, ये मजेदार चीज है, तो तुम लोग पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब मैं एक बार हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या है, हिंट मतलब जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं इसमें बेसिकली, दैट आई यूज इज कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टू कॉट टू थीटा, अब बोलोगे सर ये पढ़ा तो ही नहीं, तो अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं एज ए फॉर्मूला, इसको आपसे याद रखें, कैसे आया कुछ नहीं है, क्या किया पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस, फिर एलसीएम लूंगा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, और नीचे लिखा साइन कॉस तो ऊपर टू से और मल्टीप्लाई किया, तो ये टू बाहर और टू साइन थीटा क्या हो गया साइन टू थीटा, और ये कितना बनेगा टू कॉस टू थीटा, तो इसको अब से हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज टू कॉट टू थीटा। अब मैंने बोला तुम्हें इसको इससे रिलेट करो सॉल्व करो इसको, ठीक है ना, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है ना, तुम लोग पॉज करके सोचो, अब मैं इसको बता रहा हूं कैसे करें, तो देखो कैसे स्टार्ट किया, इधर 10 पाई बाय 16 है, ठीक है ना, तो इसको मैं चेंज कर देता हूं 10 पाई बाय 16 को, लेट्स से अगर पाई बाय 16 को मैं इधर थीटा के फॉर्म में लेकर सोच रहा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा 10, इधर से चलो मैं 10 थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस टू कॉट टू थीटा, इस फॉर्म में रख लिख लिया हमने, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, इस 10 को इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया। अब मैंने बोला 10 थीटा को वो लिख दो कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 16
अब देखो इससे हिंट भी लग रही है भाई, कॉट 5/16 आ रहा है हमारा, ठीक है, हम सही पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला -2 cot 2 theta, तो -2 cot 2 theta, ये थीटा है तो 2 theta क्या होगा, π/8, ठीक है, +2 tan π/8 +4, क्लियर है यहां तक, तो पक्का इसका मतलब ये नलीफाई हो रहा होगा, RHS को देख के मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो हो भी रहा है। कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, इसमें से मैंने अगर -2 कॉमन लिया तो देखो cot ऑफ π/16 -2 times, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, cot ऑफ π/8 -10 ऑफ π/8 +4, देखो अब देखो cot थीटा -10 थीटा, अब इस फॉर्म में लगा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, इधर तो लिखा cot π/16 माइनस cot थीटा -10 थीटा, क्या ले बोला मैंने, 2 cot 2 theta, ये अगर थीटा है तो 2 theta क्या होगा, π/4, तो π/4 +4, और इधर -2 एक इधर लिखा है टू, तो दिख रहा है cot π/4 कितना होता है 1, cot π/4 मतलब 1/10 π/4 विच इज 1 into 2 2 into 2 4, और ये -4 है ये +4 है, तो दिस विल गेट कैंसिल आउट, दिस इज cot ऑफ π/16, क्लियर हुआ, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, तो अगेन पॉज द वीडियो, कॉपी द सॉल्यूशन, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। चलो मैंने बोला एक्स इज लेस देन 2π ग्रेटर देन π, शो दैट अंडर रूट ऑफ 1+cos x +√1-cos x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1+cos x -√1-cos x, दिस इज इक्वल टू cot ऑफ x/2 π/4। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस फैक्ट का भी यूज होगा इस क्वेश्चन में कि x इज लाइन बिटवीन, एक बार चेक कर ले तो पाई से टू पाई, शो दैट दिस करेक्ट है, ठीक है। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये तो इधर तो फॉर्मूला जनरली क्लिक कर रहा है तुरंत ही, 1+cos θ, तो देखो अपन ने 2θ लिखा था ना, ऐसे लिखा था अपन ने 1+cos of 2θ इज इक्वल टू 2cos²θ, अब मैं थीटा को थीटा के जगह एक एक्स रख देता हूं, x/2 रख देता हूं, तो बेसिकली कहने का मतलब इधर 2θ है तो इधर थीटा होना चाहिए, इसका आधा इधर होना चाहिए। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1+cos x इज इक्वल टू 2cos²x/2, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 2cos²x/2 प्लस अंडर रूट ऑफ, सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन 2sin²x/2, तो 2sin²x/2 अपॉन यही चीज लिखी बट माइनस है बीच में, तो यही चीज माइनस यही चीज बीच में माइनस है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप पे, तो पहली बात तो ये √2 ऊपर से कॉमन लोगे, नीचे से कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा इस ये वाला फैक्ट हमारा यूज कि एक्स इज लाइंग बिटवीन पाई से टू पाई। अच्छा मैंने तुम्हें बोला, चलो पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, अंडर रूट ऑफ cos²2x क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x² क्या होता है, मॉड एक्स, सो दिस इज मॉड ऑफ cos x/2 प्लस मॉड ऑफ sin x/2 अपॉन मॉड ऑफ cos x/2 माइनस मॉड ऑफ sin x/2, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब मैंने बोला अगर x पाई से 2 पाई है तो मेरा x बाय 2 कहां से कहां लाई करेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो x बाय 2 विल लाई बिटवीन पाई से पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई मतलब x बाय 2 जो है दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो cos तो ओपन होगा नेगेटिव साइन के साथ, साइन क्या होगा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो फाइनली दिस इज व्हाट -cos x/2 +sin x/2 अपॉन cos x नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो दिस इज -cos of x/2 माइनस, ये तो माइनस ऑलरेडी है, फिर sin x/2 प्लस के साथ ओपन होगा, तो इधर आया sin x/2, तो ये चीज आ गई। अब तो खैर इधर से आराम से जा सकते, इधर इधर से इधर जाना तो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक तरीका तो क्या हमारा, इसको cot of a + b वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले इसको उस फॉर्म में लिख लो,
कॉटे क्या होता था, कॉटे कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉटे प्लस कॉट बी, और इसमें क्या करो तुम इसको तुम साइन एक्स बाय टू से डिवाइड कर दो, देन यू कैन रिलेट, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें टास्क दे रहा हूं, दिस यू हैव टू वेरीफाई, ठीक है ना, वेरीफाई योर सेल्फ, ठीक है, वेरीफाई योर सेल्फ, ठीक है, वेरीफाई, जल्दी जल्दी में आदत होती वी आर बाय लिखना, वेरीफाई योर सेल्फ, ठीक है ना, दिस हैज टू बी इक्वल्स टू दिस, नहीं आता है तो मैं हुई, ठीक है ना, चिंता करने की कोई बात ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो दैट्स इट आज की क्लास के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं अगेन अगेन बोल रहा हूं आज का, ठीक है, चलो जाते जाते एक बार और हम रिवाइज करेंगे, इसलिए मैं रिवाइज करवा के रहूंगा आज तुम्हें, ठीक है, मतलब याद करवा के रहूंगा, रिवाइज तो करवा ही रहा हूं, याद करवा के रहूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के फॉर्मुले की, केवल फॉर्मुले पे आते हैं, तो एक फॉर्मुला और ऐड हुआ है हमारा, वो 15 तो थे ही, एक और ऐड हुआ है, तो अगेन उल्टा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, बिकॉज आगे के तो याद हो जाते हैं, पीछे के जनरली दिक्कत होती है। तो जो अभी हमने फॉर्मूला लेटेस्ट में देखा, दैट इज कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, याद रखना कॉट माइनस टेन इज इक्वल टू टू टाइम्स कॉट ऑफ टू थीटा, क्लियर है। चलो उसके बाद आते हैं टेन थ्री थीटा, उल्टा जा रहे हैं हम, जो आज पढ़ा ना हमने उसमें उल्टा उल्टे फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। टेन थ्री थीटा इज थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आते हैं हम कॉस थ्री ए, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, फिर साइन थ्री ए, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ये हो गया थ्री ए वाले खत्म। अब टू ए पे जंप करते हैं, तो टेन टू ए टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में वन माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर आते हैं हम साइन टू ए पे, साइन टू ए का चार फॉर्मूले हैं, पहला टू साइन ए कॉस ए, दूसरा टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तीसरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और एक वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये चार हो गए। फिर कॉस टू एक्स पे सात फॉर्म में याद रखना है, पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, चौथा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर मैंने बोला तीन और पढ़ रहे हैं, किस फॉर्म में याद रखना, बस फॉर्मेट अलग है, टू कॉस स्क्वायर ए इज सॉरी टू कॉस स्क्वायर ए इज वन प्लस कॉस टू ए और टू साइन स्क्वायर ए इज वन माइनस कॉस टू ए। मैंने कहा ये ज्यादा यूज होगा एज कंपेयर टू कॉस टू ए, ये वाला वन माइनस कॉस टू ए एंड वन प्लस कॉस टू ए, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। और लास्टली मैंने बोला टेन स्क्वायर को लिखना है मुझे कॉस टू ए के टर्म्स में, तो क्या आएगा वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए, दैट्स इट, ठीक है। चलो फिर आज करो, और भी तुम लोग शीट्स वगैरह में जो भी मैंने बुक्स है तुम्हारे पास, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, उन सबसे भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।